नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको सिर से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे सिर दर्द है, या फिर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन या एंजाइटी रहती है, या फिर नींद की कोई समस्या है, जैसे नींद नहीं आती या बीच में ही खुल जाती है, या फिर बालों से संबंधित कोई समस्या है, या कान नाक गला इनसे संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हैं जिसे विस्मरण कहा जाता है, तो इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में इन सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक सबसे आसान और असरदार तरीका हम आपको बताएंगे, और इससे ना सिर्फ आपकी तकलीफ़ें कम होगी बल्कि आपकी जो इंद्रियां है वो भी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज तक हम आपको यही बताते आए हैं कि पंचकर्म चिकित्सा यानी आयुर्वेद में वर्णित जो शोधन चिकित्सा है यानी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, वो हमेशा आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से करनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रोक्त विधि है और इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें भी जो पूर्व कर्म है या प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म है यानी मेन प्रोसीजर, और उसके पहले और बाद में की जाने वाली जो भी क्रियाएँ हैं, या फिर आपका खान पान कैसे होना चाहिए, अपने क्या सावधानी लेनी है, तो इन सब को पूरी विधि से करना जरूरी है, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकती है। पंचकर्म, पंच यानी पांच और कर्म यानी क्रियाएं, यानी ये पांच क्रियाएं पांच प्रोसीजर है, तो इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये पांच प्रोसीजर है। वमन यानी जैसे औषधि देके उल्टी के द्वारा शरीर में बढ़े कफ को बाहर निकाला जाता है, विरेचन में औषधि देके जुलाब के द्वारा शरीर में बढ़े पित्त को बाहर निकाला जाता है। वमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती खास करके वात दोष की चिकित्सा है, तो इसमें ये एनिमा जैसे प्रोसीजर है, इसमें औषधि से सिद्ध जो काढ़े है या तेल है ये दिए जाते हैं। फिर है नस्य यानी नाक के द्वारा औषधि शरीर में डाली जाती है, और रक्तमोक्षण यानी दूषित खून जो है उसको इस रक्तमोक्षण के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये पांच क्रियाएं यानी पंचकर्म है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा पंचकर्म है जो आप घर पे कर सकते हैं, और वो भी हर रोज़। आयुर्वेद में इसे दिनचर्या में करने के लिए बताया है, और ये एकदम आसान है। करने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे आपको मिलेंगे। यह है नस्य। तो नस्य यानी क्या, इसे हमने क्यों करना चाहिए, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें से ऐसा कौन सा प्रकार है जो हमने रोज़ करना है, फिर इसकी मात्रा, इसकी विधि, इसके फ़ायदे, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो नस्य ये शब्द जो है ये नासिका शब्द से बना हुआ है। नासिका यानी नाक, जो नोज़ है इसे नासिका कहा जाता है। अब नस्य के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, औषधम औषध सिद्धम वा स्नेहोम नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम, यानी जो औषधि या फिर औषधि से सिद्ध जो स्नेह है, स्नेह यानी तेल या घी, तो ये जो नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा अंदर डाले जाते हैं, तो इस ये जो क्रिया है इसे नस्य कहा जाता है। अब नाक के द्वारा ही क्यों, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि नासा ही शिरसो द्वारम, तो अगर हमें कोई दवाई सिर तक या फिर अंदर के ऑर्गन्स तक, हमारे इंद्रियों तक पहुंचानी है, तो उसका रास्ता जो है वो नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा है। अब देखिए, ऊपर से तो सब कुछ बंद है, तो अगर हमें औषधि को वहाँ तक पहुँचाना है तो वहाँ तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, और इसी को नस्य कहा जाता है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत विकारेषु विशेषा नस्य मिश्यते, यानी जो ऊर्ध्व चतुर्गत विकार है, ऊर्ध्व चतुर्गत, जत्रु ये शब्द आया है, जत्रु यानी कॉलर बोन, तो कॉलर बोन के ऊपर यानी गर्दन से लेके सिर तक जितनी भी बीमारी आपको है, तो ये सभी में जो ये नस्य है ये सभी में लाभदायक है।
नाक में डाली हुई औषधियाँ श्रृंगार तक मर्म तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाती है। हमारे शरीर में 107 मर्म है। आयुर्वेद में इनका डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। मर्म यानी ये यहाँ पे चेतना का विशेष रूप से संबंध है। अगर कहीं पे भी शरीर में इन मर्मों पर अगर कुछ आघात हुआ तो फिर विकृति हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो नस है ये श्रृंगार तक मर्म तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाता है। और फिर सिर में या फिर आँख कान नाक गला यहाँ पे अगर दोष जमा है तो उनको भी शरीर से ये बाहर निकालता है। आयुर्वेद की संहिताओं में नस के बहुत सारे प्रकार भी बताए हुए हैं। तो ये जो प्रकार है इसकी हर एक प्रकार की जो मात्रा है वो अलग अलग है। इसमें दी जाने वाली जो औषधियाँ है वो भी अलग अलग है, यहाँ तक कि इसके फायदे भी अलग अलग है। और ज़्यादातर जो नस है वो आपने चिकित्सक की निगरानी में करने हैं, लेकिन इसमें से एक ही प्रकार ऐसा है कि जो आपने घर पर करना है वो भी हर रोज़, और आयुर्वेद में दिनचर्या में इसे बताया गया है। नस के प्रकारों में से प्रतिमर्श नस आपने रोज करना है, और इसे बच्चों से लेके वृद्धावस्था तक यानी ओल्ड एज तक हर कोई कर सकता है। यहाँ तक कि जो लोग सुकुमार है यानी नाजुक है या दुबले पतले है वो भी इसे कर सकते हैं। इसे आप हर मौसम में हर ऋतु में कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत अलग से कोई परहेज है इसे भी पालन करने की ज़रूरत नहीं है। खान पान से संबंधित कोई विशेष सावधानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही आसान विधि है। सिर्फ अगर शरीर में दोष बहुत ज़्यादा है तो फिर उसमें प्रतिमर्श नस से उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें फिर जो नस के बाकी प्रकार है वो आपको करने होंगे। जब भी चिकित्सक की निगरानी में नस्य चिकित्सा की जाती है तो उसमें पूर्व कर्म भी किए जाते हैं, जैसे स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन यानी मालिश करना या फिर स्वेदन यानी सेक देना, तो इसके बाद ही नस्य किया जाता है। नस्य में जैसे तेल या फिर घी है जो औषधियों से सिद्ध है, या फिर औषधि का जो रस है उसको नाक में डाला जाता है। लेकिन प्रतिमर्श नस्य में इस तरह की प्रोसेस आपको या फिर कुछ विशेष सावधानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें तेल या घी की दो दो बूंदें अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में आपने डालनी है। अब देखिए ये जो बूंदें आप डालेंगे तो थोड़ा सा हेडलो पोजिशन लेके आप डाल सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा गले में भी आया तो भी इसको आप निकाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गर्म पानी लेके उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं। अगर ये बूंदे डालना आपको अच्छा नहीं लगता तो छोटी उंगली जो है वो घी में डुबो के फिर उसको आप नाक के अंदर से लगा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको जैसे इसकी आदत हो जाएगी तब फिर आप एक या दो बूंदे डालना आप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है प्रतिमर्श नस्य है ये आपने हर रोज करना है। स्वस्थ व्यक्ति हर रोज प्रतिमर्श नस्य करने के लिए तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी जो सिर है वो कफ का स्थान है, तो इसमें भी सरसों का तेल जो है वो अच्छा है क्योंकि ये कफ को कम करता है। लेकिन ऋतु के अनुसार भी आप इसमें अलग अलग तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तिल का तेल है या नारियल का तेल है। यहाँ तक कि शरीर में अगर पित्त दोष ज़्यादा है तो इसमें गोघृत यानी शुद्ध देसी गाय का घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे बीमारी के अनुसार भी इसमें मेडिकेटेड ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, षडबिंदु तेल है, अनु तेल है, या फिर घी में जैसे यष्टिमधु घृत है यानी मुलेठी से बना हुआ जो घी है, या फिर ब्राह्मी घृत जो है इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाग्भट ऋषि ने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये जो प्रतिमर्श नस्य है इसे 15 बार करने के लिए कहा है। और ये 15 बार जब हम करते हैं तो हर बात यानी हर समय के जो फायदे है वो भी अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी बार करना पॉसिबल नहीं रहता। तो कम से कम रात को सोने से पहले और सुबह मलत्याग और दांत साफ करने के बाद आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप हर रोज़ ये प्रतिमर्श नस्य करते हैं तो इसके अनगिनत फायदे आपको मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि स्रोतसों की शुद्धि यानी हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म चैनल है उनकी शुद्धि होने में, उनको डिटॉक्स करने में ये आपको मदद करेगा। और फिर जैसे हमने पहले बताया कि गले से लेके सिर तक की सभी बीमारियों में ये लाभदायक है। फिर जैसे अगर किसी को गर्दन में दर्द है या फिर अकड़न है या जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसमें भी ये लाभ पहुँचाता है। सिर
से संबंधित कोई भी बीमारी, जैसे सिर में दर्द है, फिर चाहे वो माइग्रेन का दर्द हो या बाकी भी अगर आपको कहीं पे दर्द है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, तनाव रहता है, या फिर मानसिक बीमारियाँ, आजकल ये मानसिक विकार जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसमें भी जो नस्य चिकित्सा है वो लाभदायक है। यहाँ तक कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आती है या फिर कोई भी तकलीफ, जैसे नींद ना आना या फिर नींद डिस्टर्ब होना, छोटी छोटी बातें जो है वो भूल जाना यानी विस्मरण जो है, तो इन सभी में ये नस्य चिकित्सा लाभदायक है। इसके अलावा बालों से संबंधित अगर आपको कोई विकार है, जैसे फिर बालों का झड़ना है या फिर सफ़ेद होना है, तो इसमें भी नस्य के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। दांतों के लिए अच्छा है, यानी दांत मजबूत स्थिर बनाने में आपको मदद करता है। तो आँखें, कान, नाक, गला, हर एक के लिए ये फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी ये ठीक करता है, मन को शांत रखने में मदद करता है, जो भी सभी इंद्रियां है उनको स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रतिमर्शनस्य की पूरी जानकारी दी है, तो इसे हर कोई हर उम्र में हर ऋतु में कर सकता है, और वो भी बिना किसी खर्च के आप इसे घर में कर सकते हैं। इसे करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अनगिनत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो आप भी इसे करके ज़रूर देखिए और आपके अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो वो भी कीजिए, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।